तेरे बस की कहाँ है, तू चप्पलें डाल के आ भाई हो किच उन्हें स्टार्ट ही नहीं कर रखा। स्टार्ट है भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पार्क वर्कआउट। जैसे कि आपने टाइटल देखा है, पार्क वर्कआउट विद माय अफगानी फ्रेंड। और गाइस, हम लोग अभी के कोई दोस्त नहीं है, हमारी दोस्ती को 3-4 साल हो चुके हैं। उसके घर पे मुझे अच्छे से जानते हैं सारे, बस उससे मिलना बंद हो गया था क्योंकि उसने यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर लिया था। उसका नाम है ओजिल खान। और गाइस, उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी पहले, इस वाले लॉकडाउन से पहले उसने काफी अच्छी मेंटेन करके रखी हुई थी। मैं उसकी कोई एक पिक डाल दूंगा यहाँ पे। अपना पिछला मैंने 1-1.5 साल उसी के साथ काटा है, मतलब हम दोनों इकट्ठे वर्कआउट करने जाते थे। तो इससे जो पहले वाला लॉकडाउन था तब उसने छोड़ दिया था जिम वगैरह, और अभी रमजान वगैरह भी चल रहे थे तो उसने रोजे भी रखे थे, फिर उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हो गया। तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम पार्क में वर्कआउट करने चलेंगे, स्ट्रीट वर्कआउट एकदम। बार डिप्स मारेंगे, पुलअप्स मारेंगे, मसल अप करेंगे। आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है, विदाउट वेट से हम वर्कआउट करेंगे। तो गाइस, जाने से पहले थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि कसौल से आने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा टैन हो चुकी है। सिर्फ फेस पे ही हुई है, बाकी मैंने फुल बाजू की डाल रखी थी क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ठंड थी। हाथों पे कोई टैन नहीं हुई, सिर्फ फेस पे हुई है और थोड़ी सी डल भी हो गई है। जब आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, पोल्यूशन और डस्ट आपकी स्किन को काफी ज्यादा हार्म करता है। तो जाने से पहले थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं, अभी आधा घंटा आया है हमारे पास। सो गाइस, आज मैं यूज करने वाला हूँ उस तरह का टोटल D10 किट जिसके अंदर है स्क्रब और क्रीम। गाइस, उस तरह इंडिया का मैन ग्रूमिंग ब्रांड में से एक है। इनके प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, जैसे कि SLS फ्री एंड पैराबिन फ्री, और ये काफी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। गाइस, टैनिंग होती किन वजहों से है मैं आपको बता दूं, पॉल्यूशन, डस्ट और सन हीट की वजह से। तो गाइस, जैसे कि आप बाहर जाते हो और सन हीट आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से डिसकलरेशन होता है आपकी स्किन का, वो आपकी स्किन को काफी सारा डार्क बना देती है। डार्क स्किन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टैनिंग आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गाइस, टैनिंग आपकी स्किन को काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है और बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है, इसीलिए आपकी स्किन काफी ज्यादा डल और डर्टी हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे D10 प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे वो टैनिंग को हम हटा पाए। सो गाइस, अभी मैं यूज कर रहा हूँ स्टीमर अपने पोर्स को ओपन करने के लिए। स्टीमर ऑप्शनल है, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो। स्टीम लेने के 3-4 मिनट बाद मैं इसका थोड़ा सा पार्टीशन अपने हैंड में ले चुका हूँ। सो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आराम से 2-3 मिनट, और आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। बाय द वे गाइस, इन प्रोडक्ट्स के अंदर है अखरोट और स्विस गार्डन क्रेस। अखरोट आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, स्विस गार्डन क्रेस आपकी स्किन को ब्राइटन करता है और फेड करता है डार्क स्पॉट्स को। और गाइस, इसको आप हफ्ते के अंदर 2 बार यूज कर सकते हो। सो 3-4 मिनट हो चुके हैं मुझे, इसको मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करके आता हूँ। सो गाइस, अब बारी आती है इस क्रीम की। इस क्रीम का थोड़ा सा पीस साइज अमाउंट आपको अपने हैंड्स पे लेना है और जेंटली अपने फेस पे लगा देना है। और इस क्रीम को आप रोज भी यूज कर सकते हो, सिर्फ क्रीम को। इस क्रीम के अंदर है मुलैथी जो आपके डार्क सर्कल और एज स्पॉट्स को भी रिमूव करते हैं। और गाइस, इसके अंदर एक और चीज है, जैपनीज यूजू जो विटामिन सी में रिच होता है और आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो गाइस, ये किट आपकी टैनिंग और डिसकलरेशन को रोकते हैं और रिस्टोर करते हैं आपकी नेचुरल स्किन टोन को, और साथ ही साथ ये आपकी डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइन और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में मदद करते हैं और ब्राइटन एंड इवन करते हैं आपकी स्किन टोन को। सो गाइस, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा ये किट बाय करने में, तो आप उस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और गाइस, ये अवेलेबल है Amazon, Flipkart, बाकी सारे जितने भी वेबसाइट होंगे उनकी सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। तो गाइस, अभी स्किन केयर हो चुका है और काफी ज्यादा साफ लग रही है स्किन मेरे को, और आप लोगों को भी लग रही होगी। फटाफट से चेंज करके वर्कआउट करने चलते हैं। ये पार्क पड़ता है विकासपुरी। और गाइज, मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ, मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, माई अफगानी फ्रेंड, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा। तो हम दोनों बहुत पुराने दोस्त है। क्या बोल रहा है? गाइज, अफगानी बोल। अफगानी में सलाम दोस्तों, चतोरस्ते हैं। थोड़ा तेज बोल। सलाम दोस्तों, चतोरस्ते हैं। ओ, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बट किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो हमने रिसेंट अभी मैसेज वगैरह करा कि वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह बंद पड़े हैं, तो हम पार्क में आए वर्कआउट करने, स्ट्रीट वर्कआउट करेंगे, साथ में थोड़ा सा पार्क और कर लेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते, क्योंकि टाइम हो रहा है 6:30 और लाइट जाने वाली है। लाइट जाने वाली है, मतलब ये वाली लाइट जाने वाली है। सॉरी, ये वाली लाइट जाने वाली है।
हाँ अंधेरा होने वाला है, चप्पलें डाल के और हमारा फ्रेंड होता था चलो ठीक है, तो जो भी था ठीक है, बट उनमें सब में से अभी तो हम डाउन हो गए हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं वर्कआउट अभी, चलो और ये पार्क में वर्कआउट करने आते हैं और अपनी आशिकी लग जाते हैं, पहले बातें करने आशिकियों से, अपनी गर्लफ्रेंड से लग गए ये, अब उनको ये समझा दे कि बाबू मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or... So guys, हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा वार्म अप करके पुश अप वगैरह मार के बार डिप्स मार के अब सामने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पुल अप के लिए स्ट्रीट वर्कआउट करेंगे, वहाँ पे पुल अप के लिए रॉड है, इधर आना, वहाँ का जा रहा है पूरा घूमने को, कह रहे हैं Say now, I remember better days on the playground. Hoping I can find my way, even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो गाइस जो जो ने पंप पंप में टी शर्ट नीचे घेर दी है, हाँ भाई ने समझदारी दिखाई ऊपर रख के, मैं वही देख रहा हूँ, नारा नहीं बांधना, नारा बांधने दे, चल चल कोशिश कर मेरे पुत्र, शाबाश शाबाश, खींच खींच, उन्हें स्टार्ट ही नहीं, स्टार्ट है भाई, we'll be right back.
I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. राइट सो गाइस, पार्क में वर्कआउट करने के बाद मैं सीधा घर पे आया हूँ. पहले बात लिया है, उसके बाद मैं मतलब अपने लिए एक स्कूप प्रोटीन दूध के अंदर, ये है खरबूजा. 8:30 ही बज रहे हैं तो पहले इससे थोड़ा सा काम चला लेते हैं. डिनर तो हमेशा मेरा हैवी होता है प्रोटीन कार्ब्स और सैलेड के साथ. फटाफट इसको खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पिंपल्स क्यों हो रहे इतने. ये पिंपल्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब मैं कसौल से आया हूँ तो ठंड से मैं एकदम गर्मी में आया हूँ, तो एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से हो रहे हैं. ये 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे. अब बारी आती है मेरे डिनर की, जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ दाल, राइस, खीरा और थोड़ा सा पनीर. सो गाइस, ये थी आज की वीडियो. तो मैं इसको जल्दी से खाता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, और ये वाली वीडियो एड करके डालने की कोशिश करता हूँ कल तक. और मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. और मोर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इंस्टाग्राम के ऊपर फिटनेस की रोज वीडियो डाल रहा हूँ, डेली एक तो हमेशा होती है फिटनेस की, तो आपको वो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा. तो जाओ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो गाइस बाय, टेक केयर, पीस एंड लव. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone.